जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारायण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 3200 दांत मौजूद थे। उनका शरीर 5 वर्ष के बालक सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगजननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नर हरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवित संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्याध्ययन करने को कहा। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नव विवाहिता वधु के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हार्ड मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभुषुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए।
परंतु उन्हें पहचान ना सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से ये काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद रचते रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन सातों कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जानकर कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय ना देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है।
अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया।